हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए IMED में स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो भेजी थी आप लोगों को, उसमें हमने जो है आपको क्वेश्चन 1 to 5 आपका, और वो क्वेश्चन वो हमने चैप्टर आपका किया था, यानी कि मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज पर बच्चों हमने जो है आप लोगों को जो है अपनी वीडियो भेजी थी, और ह्यूमन रिसोर्सेज में 1 to 5 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए थे बच्चों। उसी में उसी चैप्टर में 3 टॉपिक और हैं जिनकी मैं वीडियो बनाकर उन स्टूडेंट्स के लिए ये अपलोड कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 31 में से हम लोगों को ऑर्डर मिल गए थे कि हम लाइव क्लास लेंगे, हम तो जूम ऐप पर रेगुलर लाइव क्लास ली जाती है बच्चों, लेकिन हमने अभी तो इस समय तो अच्छे खासे स्टूडेंट जो हैं लगभग क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी रीज़न से जो है क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके लिए जितना भी सिलेबस होता है बच्चों, हम वो जो है आप लोगों को YouTube के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट आपको ये ना हो कि आपको वो सब्जेक्ट के जो बारे में जो मटेरियल वो अवेलेबल ना हो। तो बच्चों देखिए, ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर जो थर्ड है, तो इसका ये चैप्टर जो थर्ड है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जितने भी वीडियो इस चैप्टर की बची हैं, यानी कि इस चैप्टर में मैंने देखा, मैंने आपको जो पहले था आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके 5 क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे। अब हमारे इसके 3 टॉपिक और हैं बच्चों, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपका है मार्केटिंग एंड सेल्स, है ना। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरी यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है बच्चों, चैप्टर थर्ड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है लाइव क्लास में। लेकिन आप लोगों को जो आपको जो सिलेबस रह गया है उसकी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बच्चों देखिए, हमने चैप्टर 3 में आप लोगों को बच्चों मैंने जो पहले 5 क्वेश्चन दे दिए थे, अब उसी में हमारा सेकंड टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि सामग्री अथवा स्कंद प्रबंध। आप पहले हिंदी में इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चों कि मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल को हिंदी में कहते हैं सामग्री अथवा स्कंद प्रबंध, है ना। तो हम इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसका पहले अर्थ, फिर कार्य और प्रकार। मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ ना, तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हम इसका पढ़ेंगे बच्चों अर्थ, उसके फिर कार्य और फिर उसके प्रकार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए, सबसे पहले आप ये नोट करिए, इसका अर्थ, कार्य, प्रकार या उद्देश्य, पहले ये नोट करिए पहले कि कौन कौन से इसमें पॉइंट आएंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ हम बताएंगे आपको, फिर कार्य बताएंगे, फिर प्रकार। प्रकार में देखिए, कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल, निर्मित माल, अन्य सामग्री, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में बच्चों। उसके बाद इसके कार्य या उद्देश्य, परिचालन उद्देश्य, सामग्री की उपलब्धि, अपव्यय को रोकना, उत्पादन क्षमता में सुधार, स्टॉक समाप्ति, हानि से बचाव, ग्राहकों की अच्छी सेवा, ठीक है। तो ये हैं आपके कार्य, नोट कर लीजिए जो कुछ हम पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद उद्देश्य में ये आएगा इसके, विक्रय में मितव्ययिता, उपयुक्त मूल्य, अनुकूलतम विनियोग या प्रभावी उपयोग, यानी कि इसके इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ बच्चों, अब ये किसी भी वे में आए, है ना, अब ये चाहे किसी भी वे में आए, तो आप जो हैं किसी भी टॉपिक में अर्थ या मटेरियल मैनेजमेंट या सामग्री स्कंद प्रबंध की परिभाषा, कार्य और प्रकार के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये सारे पॉइंट आप डिटेल करेंगे अब मैं जो आपको करने जा रही हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन के देख लीजिएगा, ये आप सब नोट कर लीजिए नोटबुक में देखकर बच्चों, क्योंकि वीडियो अपलोड में तो ये है ना कि बच्चों कभी भी आप वीडियो देख लेते देख सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक कर लीजिए बच्चों। इनके पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। अब मैं आप इसको डिस्कस करने जा रही हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मटेरियल, यानी कि इंट्रोडक्शन इसका बच्चों, इंट्रोडक्शन
यानी कि देखिए जो कार्यशील पूंजी में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब बच्चों हम कोई भी, यानी कि जो हम अपना बिजनेस या फैक्ट्री या कोई मिल खड़ी करते हैं, तो बच्चों उसमें सबसे पहले यानी कि हमने जो है यानी कि वो बिल्डिंग तैयार कर ली, लेकिन अब उसमें क्या है मशीनें, जैसे आगे चीज़ें ये चीज़ आएंगी, मतलब मशीनें भी लगा ली हैं, है ना, उसमें हमारी मशीनें वगैरह सब कुछ लग गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट अब क्या चीज़ है, यानी कि जो हमें मटेरियल बनाना है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चों, तो अब उसका मटेरियल भी तो चाहिए, यानी कि हमें अब सामग्री भी तो चाहिए, है ना, अब उसको बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। यानी कि देखिए कार्य पूंजी, कार्यशील पूंजी में घटकों में सर्वाधिक घटक सामग्री है, है ना, यानी कि इसमें जो है, और इसमें वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि पूंजी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बच्चों, जो हमारी धनराशि जो हम लगाते हैं बनाने में, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल जो है पूंजी को बोलते हैं। तो यानी कि जितनी भी हमने मान लीजिए अपनी फैक्ट्री या यानी कि अपनी कोई मिल वगैरह लगा लिए, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अब उसके बाद में लगता है मटेरियल पर, यानी कि जो हमारा जितना ज़्यादा एक वर्किंग कैपिटल का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो सामग्री अथवा स्कंद, यानी कि इस मटेरियल और इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको, इस पर खर्च होता है। यह माना कि वस्तु के निर्माण में सामग्री, क्रय तथा यानी कि श्रम और व्यय तीनों ही आवश्यक होते हैं, यानी कि उसमें जो मैन पावर होती है वो भी आवश्यक होती है, किंतु इन सभी में सामग्री प्रमुख है, लेकिन इन सभी में मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मटेरियल होगा तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। यदि सामग्री ना हो तो, या इसका प्रबंध ठीक से ना हो, तो केवल श्रम और व्यय के आधार पर उत्पादन नहीं हो सकता। यानी कि ठीक है ना बच्चों, यदि हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो हम मशीनों का या फैक्ट्री का करेंगे क्या, जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं होगा, है ना, मशीनें बेकार हो जाएंगी, मैन पावर जो यानी कि जो लेबर लगा रखी है वो भी सब बेकार है। तो ये अब देखिए डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उनकी, विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री का आशय उस सामग्री से है जो किसी विशेष उपक्रम या ठेके पर निश्चित रूप से बांटी या चार्ज की जा सकती है। फिर दूसरी परिभाषा यह कि प्रत्यक्ष सामग्री का आश्रय उस सामग्री से है जो एक वस्तु के निर्माण या उपक्रम में बनाने में प्रयोग की जाती है, है ना। तो ये डिफरेंट आप जो है इसकी जो डेफिनेशन से अलग अलग उसकी आप पढ़ लीजिएगा, इनको बच्चों देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब तो आप समझ गए कि सामग्री किसे कहते हैं, ना यानी कि कोई भी जो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो यानी कि उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो। है ना, अब सामग्री को इन्वेंटरी भी बोलते हैं बच्चों। अब सामग्री के प्रकार, ठीक है, यानी कि अब इसके प्रकार कितने होते हैं, देखिए सामग्री प्राय चार प्रकार की होती है, है ना। एक तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जो उत्पादन में काम आता है, है ना, सबसे पहले कच्चा माल आता है, फिर उसको यूज़ कर करके उसको फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्धनिर्मित माल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल, जिस पर उत्पादन की कुछ प्रक्रियाएं हो चुकी होती हैं परंतु अभी उसमें कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं से और गुजरना होता है। यानी कि मान लीजिए हमें लोहे की छड़े चाहिए, तो हम आयरन ना खरीद के लोहे की छड़े ले लेते हैं, यानी कि उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि जो अर्धनिर्मित माल है, जो पहले से ही थोड़ा सा प्रॉपर तैयार है, लेकिन उसको अभी और यूज़ कर, मतलब और उसको जो है प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। निर्मित माल, फिनिश्ड मटेरियल, यानी कि जो विक्रय हेतु के लिए तैयार होता है, यानी कि निर्मित माल, यानी कि जब आपने अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया मार्केट में सेल करने के लिए। अन्य सामग्री, अदर मटेरियल कैसे होगा, जैसे अतिरिक्त पुर्जे तथा लूज टूल्स आदि के भी स्टॉक होते हैं, है ना, और जो मटेरियल्स होते हैं जो, और हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए या लूज टूल्स और जो चाहिए वो सब, है ना। अब है इस सामग्री प्रबंधन का अर्थ क्या है, यानी कि इसका मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, उत्पादन और क्रय विभाग के लिए, यानी कि प्रोडक्ट बना फिर उसको बेचना, है ना, ये इकाइयों में बटा होता है। और जबकि लेखा व वित्तीय विभाग के लिए सामग्री प्रबंध का अर्थ सामग्री में विनियोजित धन या मूल्य का प्रबंध करना होता है, यानी कि जो है अब उसको प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अब जो है तैयार किया जाए,
उसको तैयार किया जाए। बच्चों तो ये देख लीजिएगा आप, देखिए देखिए स्टूडेंट आप इनको, ठीक है बच्चों ये देखिए है ना इसका मीनिंग। ठीक है अब हम पढ़ेंगे इसके यानी कि उद्देश्य है ना। अब इसके कार्य, इसके प्रकार हो गए। अब इसके हैं सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें दो प्रकार के हैं बच्चों। सामग्री प्रबंध के उद्देश्यों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक तो है परिचालन उद्देश्य, ठीक है बच्चों परिचालन उद्देश्य, और दूसरा है वित्तीय उद्देश्य। अब परिचालन उद्देश्य में देखिए ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि सामग्री प्रबंध के निम्न परिचालन उद्देश्य होते हैं। सामग्री की उपलब्धि है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कि फर्म में उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहे इसके लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो तथा निर्धारित स्तर पर पहुँचने से पूर्व आगे की क्रय व्यवस्था की जाए। यानी कि जो मटेरियल हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास मटेरियल है लेकिन हमें क्या करना है, पहले एडवांस में ही उस मटेरियल को अपने पास मंगा कर रखना चाहिए बच्चों। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि मटेरियल अब आप बिल्कुल इतना मंगा के रखेंगे कि आपको काम ही चल रहा है आपका, लेकिन अगर वो मटेरियल आपका ख़त्म हो जाए बच्चों तो फिर क्या दिक्कत होगी ना। तो इससे बचने के लिए हमें पहले ही एडवांस में थोड़ा सा मटेरियल मंगा कर रख लेना चाहिए, है ना। फिर अपव्यय को रोकना, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, यानी कि गोदाम में माल रखे रहने पर उसे कम से कम अपव्यय करना चाहिए ताकि, और न्यूनतम अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे यानी कि क्या है कि जो हमारा मटेरियल जो बन जाता है बच्चों प्रोडक्ट, तो उसको गोदाम में ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में रखने पर सबसे पहली बात उस पर पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, और दूसरा फिर उसकी चोरी और बर्बादी होने का या गबन होने का डर रहता है। यानी कि ज़्यादा मटेरियल है बच्चों और आपने ध्यान नहीं दिया तो फैक्ट्री में से ही कोई वर्कर्स होता है वो उसका ताला तोड़ ले या चोरी करके माल बेच दे तो नुकसान होगा। तो मटेरियल का हमें इस बात पे प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों कि जो प्रोडक्ट हमारा बन गया तो वो उसकी तुरंत उसकी सप्लाई हो जाए। उत्पादन क्षमता में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, देखिए कि मात्रा में और किस्में होने पर ही उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। कर्मचारी भी अभिप्रेरित होते हैं और मनोबल बढ़ता है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी उत्पादन क्षमता में यानी कि उसमें जो है बच्चों उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट आती चाहिए। प्रोडक्टिविटी में यदि इम्प्रूवमेंट आता रहेगा और मार्केट में सेल होता रहेगा तो इससे क्या होगा कि कर्मचारी जो है उनका भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि भाई देखिए जो मार्केट बन रहा है, जो मार्केट में प्रोडक्ट भेजा जा रहा है वो सेल हो रहा है और उसकी डिमांड और हो रही है। फिर है ना, अब इसके बाद है स्टॉक समाप्ति होने हानि से बचाओ। अब यानी कि स्टॉक समान यानी कि अवॉइडेंस ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, यानी कि स्टॉक प्रबंध में कर्मचारी को सामग्री की उपलब्धता की सूचना उत्पादन विभाग को देते रहना चाहिए जिससे समय समय पर सामग्री का क्रय जो है आदेश देकर स्टॉक समाप्ति की क्षति से बचाया जा सके। यानी कि क्या है बच्चों कि आप लोग अब क्या है बच्चों इसमें यह है कि मान लीजिए स्टॉक अगर है हमारे पास यानी कि जो सामान है तो उसमें क्या होगा कि यदि स्टॉक में सामान होगा तो यानी कि कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी, और इससे क्या होगा जो सामान स्टॉक में हैगा तो यानी कि जब वो ख़त्म हो गया तो उसको तुरंत निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपको ग्राहकों की अच्छी सेवा, बेटर सर्विस ऑफ कस्टमर्स। अब यानी कि हर समय निर्मित माल का पर्याप्त स्कंद होना चाहिए जिससे ग्राहकों की अच्छी सेवा की जा सके, यानी कि बेस्ट सर्विस होनी चाहिए। तो ये हैं आपके परिचालन उद्देश्य। फिर हैं आपके वित्तीय उद्देश्य आ गए बच्चों। इसमें वित्तीय उद्देश्य
किस सामग्री के निम्नलिखित वित्तीय उद्देश्य होते हैं? क्रय में मितव्ययता, इकोनॉमी ऑफ परचेसिंग, यानी कि सामग्री के क्रय में मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययता का मतलब होगा बचत करनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। इसके लिए मितव्ययी आदेश तकनीक EOQ टेक्निक, रोकड़ बट्टा, उपयुक्त समय पर क्रय का सहारा लेना चाहिए। अब ये जो EOQ टेक्निक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टेक्निक्स आपको आगे की उसमें बताई जाएंगी, इसी के क्वेश्चन के बाद ही है। ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये जो मैं सब जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो हैं बच्चों इनको क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, एग्जाम में जरूर आएंगे, है ना। ये टेक्निक्स आगे बताई जाएंगी आपको कि हमें जो है मितव्ययता के लिए इन टेक्निक्स का सहारा लेना चाहिए। उपयुक्त मूल्य यानी कि रीजनेबल रेट होने चाहिए कि सामग्री आप अच्छी क्वालिटी की बनाएं, बेटर क्वालिटी की बनाएं, लेकिन क्या है प्राइस भी ऐसे रखें कि वो ताकि मार्केट में सेल हो जाए। ऐसा ना हो कि उसको आपने सब कुछ बनाया लेकिन उसको कोई खरीद ना सके, तो क्या होगा, आपकी मेहनत और लागत दोनों बेकार जाएंगी। अनुकूलतम विनियोग व प्रभावी उपयोग, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंस यूज ऑफ इट, यानी कि सामग्री विनियोजित राशि ना तो अधिक हो और ना ही कम हो बल्कि अनुकूल होने चाहिए। विनियोजित कोषों का सदुपयोग होना चाहिए और क्रय की गई सामग्री की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या है कि आप जो हैं, यानी कि मीडियम प्राइस, यानी कि बीच का रास्ता होना चाहिए कि प्राइस ऐसे हो ना तो लो हो ना ही हाई हो, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट आपका मार्केट में आराम से सेल हो जाएगा। तो हमें इस बात का बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो आराम से बिक जाए और उसको हर आदमी, यानी कि हर क्लास का आदमी जो है उसको खरीद ले, मीडियम भी, हाई भी और साधारण जो काम करते हैं ना। तो ये हैं आपके देखिए वित्तीय उद्देश्य। आपके ग्रुप में बच्चों ये PDF फॉर्म में भी पड़े हुए हैं सारा सब कुछ जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, क्योंकि Zoom ऐप पर हमने क्या किया था, फिर हम PDF बनाकर जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी हम PDF बनाकर ग्रुप पे पहले डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम स्क्रीन पर भी अपने PDF फॉर्म ले आते हैं, तो डायरेक्ट मतलब स्क्रीन पर जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं वो होता है ना। तो आप जो हैं IMED की स्क्रीन शॉट पर, फिर उसको हम डिलीट नहीं करते हैं, ग्रुप में हमारी सारी जो है PDF फॉर्म पड़ी हुई है, तो PDF फॉर्म में जितना भी ये सब है तो आप जो है उनको PDF फॉर्म को देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको यहाँ तो थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि ये हिलता है कैमरा, बेटा अब क्या करें, हम ना शुरू से काफ़ी टाइम से बच्चों ऐसे ही पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिख जाए, लेकिन आप PDF फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ग्रुप पे IMED के ग्रुप में जितनी भी PDF फॉर्म है, यानी कि जहाँ से आपने यूट्यूब चैनल पर आपने देखनी शुरू करी थी उसके बाद में जहाँ से हमारी PDF पड़ी, तो वहाँ पर ये सब देख लीजिएगा, मैं तो आपको समझा रही हूँ। तो ये हो गए आपके सामग्री प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। इसके दो भाग जो होते हैं, परिचालन उद्देश्य और वित्तीय उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है।